बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम बनाने लगे हैं चिकन चरसी कढ़ाई। सेम वही तरीके से जो पेशावर में बनाई जाती है, लेकिन क्योंकि हम अदरक लहसुन अदरक ऐड करेंगे अंदर, सिर्फ ये फ़र्क होगा, बाकी सेम वही होगी। हाँ जी, ये कढ़ाई खुश्क हो रही है। हमने लोहे की कढ़ाई ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये 1.5 किलो चिकन हमने लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर, ऑयल के अंदर। सेम वही तरीका, मैंने मटन चर्सी कढ़ाई बनाई थी तो उसमें मैंने थोड़ा अपना तरीका इस्तेमाल किया था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने अदरक लहसुन डालना है और बाकी सारा तरीका वही होगा। चिकन हमारा फ्राई हो गया। हाँ जी, इसको थोड़ा फ्राई करके फिर इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। हाँ जी, ये मैं लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी डाल के वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को आदत है ना, गोश्त जब भी बनाए लहसुन अदरक लाजमी डालते हैं, तो इस वजह से ही है। कहीं ना कहीं लहसुन साबत भी अंदर नहीं ग्रहण हो सका थे। हाँ जी, अब साथ में हम टमाटर रख देंगे। मैंने 2-2 पीस कर लिए टमाटर के। नौ 10 टमाटर भी हैं। हाँ जी, अब इसको हम ढाँप देंगे ऊपर से। हाँ जी, टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब इनको ऊपर से छिलका उतारते हैं। छिलका अंदर ही उतरेगा। हाँ जी, अब नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक।
और साथ सब्ज मिर्च। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जर्सी कढ़ाई तैयार, चिकन जर्सी कढ़ाई तैयार हो गई है, बिल्कुल वही स्टाइल। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, वो भी थोड़ा सा, बाकी सेम वही, कोई मिर्च सुरख हल्दी कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। और ये देखें, हाँ जी उम्मीद है आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।